सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि राशि बदलने जा रहे हैं 1 मई 2024 से दोपहर को 12:57 पर। क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन जो है वृषभ राशि में होने जा रहा है और जब यहाँ पे आएंगे 1 मई को, तो उसके बाद 14 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कैसा परिणाम रहेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति को जो है भाग्य धन विवाह धर्म का कारागृह कहा गया है। एक राशि में जो है गुरु 12 से 13 महीने के बीच में गोचर करता है, तो एक वर्ष के लिए बृहस्पति आता है, यानी कि लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति से ज्ञान, शिक्षा, संतान और स्त्री की कुंडली में जो है मिलने वाला पति का सुख, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, पुण्य, दान धर्म, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं और साथ ही किसी भी कार्य की वृद्धि के कारक ग्रह कहे गए हैं। इन्हें दान और धर्म का कारक ग्रह कहा गया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में है, स्ट्रांग पोजीशन में है, तो उस जातक या जातिका को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, यानी कि वो दान धर्म करने वाला, पूजित, साथ ही अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला, किसी अच्छे स्कूल में शिक्षक या प्रिंसिपल, अच्छी संतान वाला और सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त होते हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति को सुख सौभाग्य कारक भी कहा गया है और ख़ासकर भाग्य के स्वामी भी हैं, और इनका कुंडली में जो स्थान है वो भाग्य का स्थान है, क्योंकि देवता के गुरु हैं, सबसे शुभ ग्रह इन्हें कहा गया है। दो राशि के स्वामी हैं, धनु और मीन राशि के, कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। तो यदि ये अच्छे अवस्था में है तो आपको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, मगर ये कमज़ोर हैं तो एक तो आपका धर्म में मन नहीं रहेगा, यानी कि जो धार्मिक कार्य है आप कर देंगे उससे आपका मन अलग हो जाएगा, साथ ही संतान सुख नहीं मिलेगा और स्त्री को जो है पति का सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपका मन धार्मिक कार्य में नहीं रहेगा तो आपको मन जो है धर्म से विचलित हो जाएगा, वो जब है जब आपका बृहस्पति कमज़ोर होगा, अस्त होगा या किसी पापी घर के साथ पीड़ित होगा। राहु के साथ होने से ये चंडाल योग बनाते हैं। तो आज बात हो रही है मिथुन राशि की, मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का ये परिणाम अगले एक वर्ष। इस समय बृहस्पति जो है आपकी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो मिथुन राशि के जातक हैं, तो विदेश यात्राओं का समय बनेगा। एक वर्ष के लिए कहीं भी आप बाहर जा सकते हैं, चाहे वो किसी नौकरी के सिलसिले में हो या व्यापार के, या पढ़ाई लिखाई करने वाले शिक्षक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हों, तो बाहर की यात्रा आपकी हो सकती है। तो एक वर्ष के बीच में कहीं भी आप बाहर जा सकते हैं, चाहे वो अदर स्टेट में आपको जाना पड़े या विदेश में यात्रा करनी पड़े, तो बाहर का आपका टूर लगा रहेगा। क्योंकि गुरु बृहस्पति इस समय आपके बाहरी क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपकी कुंडली में जीवन साथी और पार्टनर के स्वामी हैं, साथ ही कर्मस्थान के नौकरी और व्यवसाय के भी स्वामी बने हुए हैं और 12 स्थान में, यानी कि वृषभ राशि में, तो बाहरी क्षेत्र की यात्राएं होगी, विदेश यात्राएं, और बाहरी क्षेत्र से लाभ होगा, काम काज आपका अच्छा रहेगा, नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, साथ ही भूमि भवन वाहन आदि का सुख जो है आपको प्राप्त होगा। माता की सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, थोड़ा बहुत मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि माता जी की सेहत पे कुछ असर पड़ा रहेगा, मगर भूमि भवन वाहन आदि के जो सुख बहुत ही सुख हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही जो छात्र छात्राएं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है,
उन्हें जो है लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा अगर देने जा रहे हैं वृषभ मिथुन राशि के जो जातक हैं तो उन्हें एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी अगले एक वर्ष के लिए जो समय बन रहा है आपका अच्छा। दूसरा जो है कोई रोग आपके शरीर में है तो समाप्त होगा और कर्ज भी जो है समाप्त होगा, क्योंकि कर्ज अगर आपका पहले से चला रहा है तो वो कर्ज आपको उतर जाएगा, रोग भी समाप्त होगी, साथ ही शत्रु भी आपसे हारेंगे, यानी कि जो शत्रु आपको अभी तक तंग कर रहे थे परेशान कर रहे थे उन शत्रुओं को भी जो है अब पराजित हो जाएगी वो शत्रु आपसे। और बात करें जो गुरु बृहस्पति की तो साथ ही आपकी कुंडली में जो जिस जगह हैं वहाँ से जहाँ देख रहे हैं तो कुछ चोट दुर्घटना की आशंका बन रही है, तो गाड़ी वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा धैर्य रखें, वाहन धीमा चलाएं, क्योंकि एक दो बार चोट लगने की भी आशंका आपकी बन रही है। शनि महाराज इस समय जो है आपके कुंभ राशि में है, अपनी ही राशि में शनि का होना बहुत अच्छा है आपके लिए। शनि आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, आपकी भाग्य उन्नति जरूर करेंगे, साथ ही कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा क्योंकि शनि महाराज बहुत मजबूत पोजीशन में और अगले एक वर्ष तक यहीं रहेंगे। जैसे बृहस्पति एक वर्ष के लिए बदल रहा है वैसे ही शनि भी एक वर्ष अभी और रहेगा, तो कुंभ राशि में शनि का होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, धार्मिक कार्य होते रहेंगे, मन जो है आपका धर्म के कार्यों में लगा रहेगा। अभी मंगल साथ राहु का चंडाल इस कुंडली बना हुआ है जो कि अगले एक महीने तक रहेगा, लेकिन इसके बाद ठीक हो जाएगा। शुरुआत में जो है जब बृहस्पति राशि बदलेगा तो 15-20 दिन आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मंगल जो है राशि छोड़ देगा, राहु के साथ अभी चल रहा है और जब राहु के साथ से मंगल हट जाएगा तो फिर वो सूर्य के साथ हो जाएगा, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगले एक महीने का। साथ ही जो है इनकम की बात करें तो इनकम आपकी अच्छी रहेगी, इनकम और बढ़ेगी जब सूर्य मंगल एक साथ रहेगा, सूर्य उच्च का है और शुक्र के साथ हैं तो सूर्य मंगल के साथ लाभ स्थान में होना आपको लाभ करवाता रहेगा। संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा आपका, मजबूत रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में आने वाली बाधा भी दूर होगी, सट्टे लॉटरी में जो है आपको लाभ होगा। हालांकि धन संबंधी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है शुरू में एक दो महीने, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है इस समय। चंद्रमा आपका मकर राशि में है अष्टम में, तो थोड़ा बहुत दिक्कतों का जो है सामना आपको करना पड़ सकता है, धन संबंधी परेशानी आपको रहेगी। हालांकि जीवन साथी का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा, जिनके रिश्ता आ रहा है कहीं से तो उनकी शादी की बात पक्की हो सकती है या शादी उनकी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि साझेदारों से भी आपको लाभ होगा जो। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल अगले एक वर्ष के लिए जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।